गुड मॉर्निंग रुद्रुद्रु, गुड मॉर्निंग बेटा, जय सियाराम। बोलो जय सियाराम। ओके ठीक है, जय सियाराम। रुद्रु मेरा चुन्नू चुन्नू बेटा। ओके तो सा आज घर फिर से भरा भरा हो गया, क्योंकि बच्चे दोनों वापस आ गए, नीतू भी वापस आ गई। तो आज सुबह से लेके आज, वैसे संडे है, आज सुबह से मतलब यह हालत है कि मतलब भागम भागी, ऊपर नीचे दौड़ा दौड़ी, मतलब वापस फिर से वापस गति पकड़ ली वापस राजधानी ने। पहले शिमला वाली ट्रेन, टॉय ट्रेन जाती है ना जैसे, तो वो धीरे धीरे चलने लग गई थी, अब फिर से वापस गति आ गई और हमारी रिद्धू फिर से उठने वाली है। मम्मी इसको बंदर के बच्चे को चिपका के घूम रही है। रुद्रु तू क्यों रोया बेटी? वो बेटा कू रोया तू? अरे बदमाश, कू रोया तू? कू रोया मेरा बेटा, कू रोया है? कू रोया बता, अब चुप कैसे हो गया तू? कैसे चुप हो गया बेटा? अब क्या, जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो, मतलब लगभग ये 3 महीने के होने को आए हैं, तो मतलब इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके हैं अब आजकल, है ना। रोने लग जाएंगे, बातें करते हैं आजकल, बातें इन द सेंस मतलब जैसे हुंकारे पड़ते हैं ना, जैसे अपने बोलते हैं हुंकारे पड़ना, तो हुंकारे पड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। हंसते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो मतलब पहले से और अब में बहुत डिफरेंस आ गया बच्चों में। और थोड़े थोड़े बड़े बड़े भी लगने लग गए। जब पहली बार आए थे, जब ये मतलब हॉस्पिटल में जब थे, तब ये छोटे से थे, इतनी सी मुर्गे जितते थे, बहुत छोटे से थे उस वक्त ये, और बिल्कुल सफ़ेद थे, और छोटे छोटे से मुंह लगते थे इन दोनों के। दोनों सेम लगते थे उस वक्त तो ये, पर अब दोनों के अंदर, खैर हालांकि बहुत फीचर्स के अंदर बहुत डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, पर अब थोड़े से बड़े बड़े लगने लग गए, तो अब थोड़े से क्यूट भी लगते हैं। हेलो एवरीवन, कमा गणी सर, एज यू कैन सी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मैं जयपुर किस लिए आई हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ मैं जयपुर किस लिए आई हूँ। एक्चुअली मुझे 2-3 शूट हैं, प्रमोशंस हैं और भी कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से आना पड़ा। और एक मेन रीज़न ये भी है कि मुझे ढूंढ पूछना है। हम उतना धूमधाम से नहीं पूछ रहे, मतलब जैसे ढोलंजी आती हैं, गीत वीत गाते हैं, वो तो नहीं गाएंगे, बट मम्मी का मानना यह है कि मेरे बच्चों का सूंड का होना चाहिए, जैसे मेरा जलवा और ये सब पूजा था, वैसे ही हम ढूंढ पूजेंगे। बस ढूंढ में ये है कि बुआ सा आ रहे हैं, क्योंकि बहन बेटियाँ आती हैं, उनको अच्छा, उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो कन्नू भाई सा है, बुआ सा आ रहे हैं, तो मेरा ढूंढ पूजेगा कल, इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे, क्योंकि हमारे घर से भी ढूंढ जाएगा कन्नू भाई सा की जो भाई सा है, रीवा भाई सा, उनकी जो बाई है कन्नू भाई सा, उसके नाम का ढूंढ जाएगा। तो उसके लिए मुझे कपड़े लेने हैं, और भुआ भी ढूंढ लेके आती है, तो कन्नू भाई सा ऑलरेडी कपड़े ला चुके हैं बच्चों के, तो कन्नू भाई सा के घर से ढूंढ आएगा और हमारे घर से उनके लिए भी जाएगा, हम पीहर की तरफ से, तो वो कपड़े लेके आने हैं मुझे बच्चों के। और दूसरा जो मेरे पीहर वाले, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उनके साथ ही हैं जयपुर आई हूँ, आपको पता ही है, तो वो भी मुझे ढूंढ पे कपड़े वगैरह देंगे बच्चों के भी। तो इसीलिए मम्मी पापा मुझे ढूंढ पे ज्वेलरी देना चाह रहे हैं, और मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी बहुत सारी है, अलग अलग तरह की भी है, मेरे पास थेवा की ज्वेलरी नहीं है। और मैंने जब कन्नू वैसे की शादी हुई थी ना, तो कन्नू वैसे को मैंने थेवा की ज्वेलरी कराई थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी, उनके इन लॉज के लिए भी थेवा की ज्वेलरी कराई थी, गोल्ड की भी थी, थेवा की भी कराई थी। तो तब से ही मेरे मन में है कि मैं कराऊं, पर उस टाइम मैं बिजी थी बहुत, तो नहीं करा पाई। तो अब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू कुछ करा ले अपने लिए, तो मैंने कहा कि थेवा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, एकदम यूनिक ज्वेलरी होती है, तो मैं इनको बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी। और अब मम्मी पापा ने बोला कि तू अपनी पसंद की ले आ, तो मैं और ये जा रहे हैं थेवा के शोरूम में, जो कि वैशाली नगर में है। मैं भी आपको पहुंच के दिखाऊंगी उस शोरूम, आपको पूरा बता दूंगी, तो बस वहीं के लिए रेडी हुई हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोमल के घर मम्मी पापा से मिलने, वहाँ परी से भी मिलूंगी, बहुत दिन हो गए हैं। साथ में रवि भी हमारे, हेलो एवरीवन, क्योंकि इसको मम्मी पापा से मिलना है, तो ये भी हमारे साथ जा रहा है। अब भाई इसको पसंद थी क्या रिंग? तो मैंने रिंग दिलाई कि नहीं दिलाई? आप लोग पूछ रहे थे कि आपने ना क्या दिया संजू मैना को, क्या गिफ्ट दिया? तो मैंने संजू मैना को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, सीरियसली सच बता रही, कुछ नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पहली बार, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे थे कि ना नीतू जी अगर
सरप्राइज था, तो बेबी प्रोडक्ट्स कैसे ये ले रहे थे, क्योंकि इनका बाद में आने का प्लान था, ये मुझे लेने आने वाले थे जयपुर के लिए, मुझे उस टाइम का नहीं पता था, है ना। तो मैंने इनको बता रखा था बच्चे के ये प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं तो लेके आना, तो इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। मुझे पता नहीं था, आप लोगों को पता, मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि इनके लिए गिफ्ट ना लाऊं, कोई ऐसा ओकेजन हो, इस बार छोड़ दिया। मुझे पता नहीं था, और ऊपर से गाँव में कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, मुझे पता होता ना तो फिर भी मैं कुछ अरेंज करती, इवन मैं केक ही मंगा लेती है ना, वो तो मिलता है, पर मुझे कहते थे आ जाएंगे। इधर ही है क्या वो सोनकाच? नहीं, आगे वाले, आगे वैशाली में, तो इसीलिए रहेंगे। बट कोई नहीं, हर बार मैं देती तो हूँ, इस बार इन्होंने दी तो क्या हो गया, तेरा मेरा मत कर साथी। रिद्धि को तो लेके नहीं आए हम लोग, रिद्धि को हम बाद में लेके आएंगे। रवि कह रहा है आप बच्चों को नहीं लेके आए, तो हम रिद्धि को लेके जाएंगे, मम्मी पापा से भी जब मिलने जाएंगे आगे रवि का फ्लैट देखने, दोनों बच्चों के साथ हेक्टिक हो जाता है थोड़ा, तो रुद्र मम्मी के पास रहेगा, मम्मी उसको आसानी से संभाल लेती है और रिद्धि को हम आसानी से संभाल लेते हैं। तो हम लोग पहुंच गए ज्वेलरी की शॉप पे, मैं दिखाती हूँ। इसको आज ज्वेलरी पूरा परचेज करवा के देंगे आज इसको। कोरोना चाहे गया नहीं गया, सैनिटाइजेशन पूरा होना चाहिए, हाथों को रगड़ते रहो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये है जी इस खूबसूरत से शोरूम की। नमस्कार कौन सी पसंद आई? दिलाओगे आप? जो पसंद आए, जो पसंद आए। अच्छा ठीक है ना, गोल्ड से, गोल्ड लेने से तो अच्छा है। नहीं बट इसमें गोल्ड भी ऐसा थोड़ी ना कि आर्टिफिशियल लगे, मस्त लग रहा है। ये वाला सेट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ज्वेलरी शोरूम में घुसने के बाद कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया लगता है, सब अच्छा लगता है, बड़ा हसीन है मोमेंट रहता है। सर इसीलिए तो बोले। हाँ अच्छा,
अच्छा, इन सबके प्राइसेस मुझे बता दीजिए। हाँ जी मैम, तो जैसे अपनी स्टार्टिंग रेंज 9000 से सबसे छोटे सेट की, उसके बाद साइज और डिजाइन के हिसाब से प्राइस। इसके अंदर क्या है कि अपनी स्टार्टिंग रेंज 9000 की है, तो ये वाला जैसे छोटा अपना साइज और डिजाइन के हिसाब से प्राइस है, ये 9000 में आ जाएगा। ये वाला अपना इससे थोड़ा बड़ा जाएंगे, ये 16000 का आ जाएगा। फिर ये है 55000 का, इसके अंदर हस्ती वगैरह ये सब अपनी मीनाकारी वगैरह हैवी हो गया इसलिए। तो ऐसे ही है 20-25। अच्छा, जो मैंने वेयर किया था ये मैम हैवी रेंज में ही बताया थे, नॉर्मल तो यही था 55000 का। इसमें ये स्टोन पूरा प्योर रूबी है अपना, और सबका लैब सर्टिफिकेट आएगा साथ में, आर्टिकल का ऐसा अपना लैब सर्टिफिकेट आएगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ होगा कि 23 कैरेट गोल्ड है, 95 सिल्वर है, और रूबी अपनी नेचुरल रूबी है, शूट टू सोन काच करके इंटरनेशनल जिम टेस्टिंग का आएगा आपको, तो इसके अंदर आपको वेरीफाइड आएगी सारी चीज़। अगर कुछ इशू आता है कुछ ऐसा कुछ, तो ये एक्सचेंज वगैरह कराना है, एक्सचेंज वगैरह। हां, इसमें क्या होता है सर, हमारी 5 साल की तो गारंटी है कि अगर रेटिंग इसकी खराब हो गई तो हम इसको फ्री में आपको सही करा के देंगे। उसके बाद अगर खराब हो गई तो फिर हम लोग इसका क्या कहते हैं ऑन पेमेंट इसको ठीक करके देंगे। मतलब 5 साल तो फ्री है, 5 साल तक इसकी सर्विस मिली है, और 5 के बाद अपना पेमेंट पे हो जाएगा। वो जो नॉमिनल चार्ज प्लेटिंग के लगते हैं वो होंगे, बाकी इसके रिपेयर हो गई टूट फूट हो गई लाइफ टाइम फ्री है। और एक्सचेंज है, और एक्सचेंज का ऑप्शन है। कहां से आता है, कहां दुकानों पर घूम रहे थे बच्चे? हां, नहीं यूनिक भी है, और अच्छा हां, और इसमें आपको मैम एक्सचेंज ऑफर भी है, मतलब आप जैसे 3 साल आपने पहन लिया इसको, 4 साल आपने 4-5 शादियों में पहन लिया, अब आप बोर हो गए, अब आप बोर हो गए तो 55000 है, तो 55000 भी दूसरी ज्वेलरी ले सकते हैं। ये तो सही है, ये तो सही, मतलब इससे काम कर लिया है, मतलब आपको नया कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, यही लो वापस एक्सचेंज करवाओ एक बार, ये बेस्ट है। हां वंस, अच्छा एक बार, हां बार-बार चेंज कराएंगे लोग। हां सही बात, हां पर ये फैसिलिटी भी मतलब एक अच्छी चीज है। हां तो ये मतलब फाइनली कर दे, तो मैं ये वाला एक तो सर कलर भी यूनिक है, डिजाइन भी यूनिक है, मतलब ऐसा कॉमन नहीं है, मुझे हमेशा यूनिक चीजें अच्छी लगती है, तो मैं ये वाला फाइनल कर रही हूं। और इयररिंग्स तो मैंने वेयर कर ही रखे हैं इसकी, किसी के भी इयररिंग्स हैं तो हम दोनों को यही अच्छी लग रही है, तो मैं ये वाला ले रही हूं। कुंदन वर्क में ये चाहिए प्लेन चाहिए तो मैं प्लेन भी करवा दूंगी, वो करवा के मेरे को 1-2 दिन लगेंगे। अच्छा, आप नोज पिन पहनते हो या नथ? सर के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सुंदर सुंदर है, ग्रीन में भी मिल जाएंगे। अब और इनके रेंज कहाँ से स्टार्ट है? कोई भी बेसर 3000 का है अपना। अच्छा, कोई सा भी ले सकता है। अगर किसी को ज्यादा ही बड़ी रखड़ी का शौक है तो वो ये भी ले सकते हैं, बट मुझे शौक नहीं है ये रखड़ी नहीं रखड़ा, तो मैं तो ये छोटी वाली पसंद है, और ये अच्छी भी लग रही है। नहीं अच्छी तो ये भी है, बट अपनी अपनी चॉइस है, अपने साइज पे ना, फेस पे क्या सूट होता है, ये टीका है। अच्छा ये टीका है, अच्छा ये मैं सारी चीजें ट्राई करके देख लेती हूँ, ये दिलाए ना दिलाए ट्राई तो कर ही सकती हूँ। ट्राई के पैसे नहीं है, हाँ ट्राई के थोड़ा पैसे लगेंगे। ये टीके में बहुत कम पहनती हूँ, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है, तो मुझे ये वाली जो बेसर है ना अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही है ना, सिंपल सोबर सी, यूनिक भी है। और बाकी जो ज्वेलरी दिखा रहा हूँ, बाजू सब लेके जाएंगे, पहले देख के लूँ, देखने में क्या जाता है। ये वैसे ट्रेडिशनली अपने घरों के अंदर है ना, ये हर घर के अंदर मिलता है ये बॉक्स, पर उसमें सारा गोल्ड ही गोल्ड होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट इतना नहीं है ना, बजट फ्रेंडली आपको कुछ ज्वेलरी चाहिए, तो इसमें पूरी आपको वही राजमोती लुक, ये अलग अलग है, अब इसमें से आप मिक्स मैच कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ऐसे अलग अलग दिखा देती हूं, पूरा ये वर्क अपना जाली का हैंडवर्क है, जड़ाऊ वाला, ये बीच में थेवा है, ये सिल्वर गोल्ड प्लेटेड हो गया, और ये रूबी अपने ओरिजिनल। एक ये पैटर्न आएगा जो
फूल आ गए। आप एक रिंग का पहनते हो? तीन चार, एक का ही अच्छा लगता है उसे। हाँ, दो रिंग का हल्का फुल्का। हाँ, हल्का फुल्का रहता है, ज्यादा हैवी भी नहीं होता। अच्छा, ये एक रिंग का है ये? हाँ, एक रिंग, एक रिंग का जो होता है। हाँ, ये 25 का है पूरा। और ये इनका ये बाजू, ये ये बाजू में 55,000 का जोड़ा आएगा, और ये अपना 25,000 का जोड़ा आएगा ऐसे, और ये 75,000 का जोड़ा आएगा। ये हैवी हो गया, अभी इसमें वेलवेट की पुआई हुएगी। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ना, यूनिक भी है। ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे प्योर गोल्ड का हो। प्योर गोल्ड, गोल्ड प्लेटेड, और ये पूरा गोल्ड है। ये पूरा अंदर गोल्ड है, ये पूरा गोल्ड है जो कांच के ऊपर है ना, ये गोल्ड है, और ये सिल्वर पे गोल्ड प्लेटिंग है। हाँ, ये अपना जो कारीगर है गोल्ड वाले, ये सारी हाथ की जड़ाई का काम वही करते हैं। और प्लेटिंग अपन अच्छी करा देते हैं, इकोटिंग करा देते हैं, 5 साल बिगड़ेगा नहीं आपका कुछ, तो आप गोल्ड की बजाय लेने। एक छोटी सी चीज आई थी यहाँ पे, बहुत समय से पीछे पड़ रही थी मेरे को, थेवा लेनी। लेने सिर्फ एक चीज आई थी, और यहाँ पे पूरी दुकान मैडम की खुलवा के बैठी हुई है, यहाँ पे पूरा सब कुछ। एक तो सब सस्ते में आपने बढ़ रहे हो। इसमें ये पगड़ी अपने आ जाएगी, अंदाजा ही कर दिया, तो ये क्या 10,000 का जोड़ा आ जाएगा। लाइट वेट में आई के मैं लेने तो एक सेट आई थी, मैं सोच रही थी पूरी, बता कह रहे कि ज्वेलरी ले ले, पूरा सेट हो जाएगा तेरे पास, तो फिर इसलिए मैं पूरा, मतलब जो हमारा राजपूती गहना होता है ना, वही देख लूँ, बाजू पूछी बंगड़ी सब। तो ये बंगड़ियाँ मुझे पसंद आई है, और ये पूछी रेट मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मतलब किसी को लेनी है, तो वैशाली में इनका शोरूम है, सोनकाश नाम से है, और इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यूनिक है, और मेरा आप देख ही रहे हो, जल्द मैं इनको आपको पहन के भी दिखाऊंगी, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो होता है ना मेरा दोनों हाथों का गहना, वो पसंद किया है। इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह कराने में एक दिन लगेगा। अच्छा। तो मैं इसकी सारी पुआई फिनिशिंग चेक करके सर्टिफिकेशन करा के आपको कल तक डिलीवर करवा देती हूँ। अच्छा कलेक्शन इनका है यहाँ पे, मैं शायद दूसरी बार आ रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो कन्नू बाईसा की शादी की जो एक उसको गिफ्ट दिया था हमने, वो भी हमने यहीं से लिया था, उस वक्त हम खैर ज़्यादा इतना बारे में जानते नहीं थे, बट अभी सब कुछ जान गए। अब बारी आ रही है हार्ट अटैक वाली है ना, पर्स संभालने वाली, क्योंकि मैडम अब कॉपी भी लेके बैठ चुके हैं, पेन लेके बैठ चुके हैं, कितने दिन मारती है देखते हैं। मैं यही पूछने वाला था, डिस्काउंट है या नहीं है, इनको वो जगह बहुत अच्छी लगती है, डिस्काउंट मिस का मिलना भी चाहिए। कोई बार पहले आप, मैं उनको अब कंटिन्यू करा के, हां कल डिलीवर कर दूंगी, किसकी फिनिशिंग चेक कर लूंगी, सारा मेटिंग वेटिंग कर लीजिए आगे आगे, और लैब सर्टिफिकेशन भी लेके। अच्छा, इनकी लूम वगैरह भी आप प्रोवाइड कर दूंगी एक्स्ट्रा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री लूम आएगी। अगर आप लोगों को ऐसी किसी को ज्वेलरी परचेज करनी है, तो मैम आपका एड्रेस? हाँ, हमारा एड्रेस है D5 वैशाली नगर, मेन वैशाली नगर मार्केट बिग बाजार के पास है हमारा शोरूम। हाँ। और बाकी फोन नंबर है हमारा 9351-511-707। बाकी जो मैं एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब आप यहाँ आओगे ना, तो सबसे पहले यही वेलकम करेगा आपको। मैं इसलिए रुद्र को मम्मी के पास छोड़ दूंगी, रिद्धि को मैं ले जाऊंगी, और नेक्स्ट टाइम जब बाहर जाऊंगी तो मैं रिद्धि को छोड़ जाऊंगी, रुद्र को ले जाऊंगी। एक बार ऐसे करेंगे, एक बार एक बच्चे को, एक बार एक बच्चे को, है ना, दोनों को, क्योंकि हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर है। तो अभी हम जा रहे हैं काकी साके दोनों बच्चों को पितरों की धोख खिलाने, क्योंकि मैं घर से आई थी तो धोख नहीं, उधर नहीं खिलाई थी, उसके बाद हम जाएंगे। हम ले हमारे पित्राणी सागा, ये हमारे पित्राणी सागा स्थान है जहाँ पे हम धोख देंगे। काकी सार वो गए हुए हैं, तो चलते हैं। वो अब जा रही हूँ काकू सामने। तो अभी हम आए कोमल के घर मम पापा से मिलने, और थोड़ा कुछ काम था वो भी करने, तो काम तो हमारा हो गया, तो अब मम्मी पापा से मिल लेंगे, कोमल से मिलेंगे। मासी आ गई, लड्डू दीदी आ गई, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले।
माची भूल गई क्या तुम मेरे को? भूल गई क्या तुम मेरे को? इसको देखो ना, इसको ये हाजिरी है। हमेशा मैं यही शूट क्यों करती हूँ, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर दिखता है। डार्क के पीछे हमेशा बैकग्राउंड, मतलब जो वीडियो क्वालिटी होती है थोड़ी क्लियर दिखती है। तो एज यू कैन सी, चेंज वेंज कर लिए, घर आ गए और दोनों बच्चे मस्त है। मेरी रिधि ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, फुफ फुफू, और रुद्र भी मस्त सो रहा था, उसने मम्मी को परेशान नहीं किया। तो अब मेरे बच्चों की बारी है मालिश की, मैं और मम्मी मालिश करेंगे। मम्मी एक ही कर देगी, मैं एक ही कर दूंगी, उसके बाद दोनों बच्चे सो जाएंगे। और ये कर रहे हैं बच्चों की बॉटल से उनको स्टरिलाइज कर रहे हैं, इनका फेवरेट काम है उनकी बॉटल को धोना, स्टरिलाइज करना। दिखाऊं क्या? बोलेंगे मेरे को बनियान में दिखाती है ये लड़की, देखो ये बच्चों की बॉटल स्टरिलाइज कर रहे हैं। और मेरा रुद्र इतना एक्टिव हो रखा है, लातों पे लाते मारे जा रहा है। ओह ओह, मुंह में से दूध निकाल रहा है। ये बोतलों को स्टरिलाइज कर रहे हैं। ये वैसे मस्त मशीन मंगवाई इसने, इसमें मतलब सारा सिस्टम सब सेट हो जाता है मामला। ये स्टीम भी ले सकते हैं अपने फेशियल के लिए, फेस को फेस वो भी कर सकते हैं। हाँ वैसे अच्छी है ये, जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है तो ऊपर कपड़ा डाल के और फिर यूं बैठ। कल मम्मी पापा आएंगे कल, मेरा मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। कल मेरा ढूंढ पूछेगा, हाँ बताया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, तो कल ढूंढ है। तो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा।